पठानकोट अमृतसर राष्ट्रीय मार्ग पर तेज रफ्तार एक कार अनियंत्रित होने से एक ऑटो के पीछे से टकरा गई, जिससे ऑटो में सवार 8 सवारियां जख्मी हो गई। वहीं कार चालक भी इस हादसे में जख्मी हो गया, जिन्हें उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल पठानकोट में भर्ती करवाया गया। इस बारे में सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर ने बताया कि आज जख्मी हालत में 9 मरीजों को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। तकरीबन 8-9 पेशेंट आए इतों गुरदासपुर पठानकोट हाईवे तो, और 108 एम्बुलेंस उन्होंने लै गए जी इस वे करीब 9:30 के आसपास। और हिस्ट्री के मुताबिक किसी कार और ऑटो का एक्सीडेंट होया। बस ये जो पेशेंट से कार का ड्राइवर भी इतने एडमिट है, और जो पेशेंट ऑटो से वो भी सारे एडमिट ने। कोई क्रिटिकल जो 1-2 पेशेंट्स थोड़े क्रिटिकल लग रहे हैं, उन्होंने स्पेशलिस्ट ने देख लिया है, बाकी अंडर ऑब्जर्वेशन ने इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसके बाद ही कुछ कह रहे हैं। पठानकोट से कैमरामैन अभिषेक भारद्वाज के साथ अजय सैनी की रिपोर्ट।